किस विषय में चर्चा हुई है? ये भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का जिला कार्यालय है, जहाँ पे समस्त पदाधिकारियों को 30 तारीख को आना होता है। यहाँ पे मासिक बैठक होती है, जिसमें कोई समस्या होती है उसका समाधान होता है, आगे की रणनीति बनाई जाती है पदाधिकारियों द्वारा। और किसी भी क्षेत्रीय किसान साथी को अगर कोई दिक्कत होती है या किसी उसका कोई काम रुका पड़ा होता है, वो यहाँ पे आके मासिक बैठक में अपनी समस्या रखता है और रख सकता है, उसका हम समाधान कराने का प्रयास करते हैं, शासन प्रशासन से लड़ने का काम करते हैं। और जो आपके एक मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के, उन पर संगीन आरोप पहले पूर्व में लगे थे, तो उसके विषय में कुछ चर्चा हुई यहाँ पर? उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको फिलहाल संगठन से निलंबित कर दिया है और उनकी जांच कमेटी, एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी जो निर्णय लेगी वो फैसला मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे वो हम लोग उनके दिशा निर्देशन पर आगे का काम करेंगे। संगठन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है और संगठन से क्या मांगे हैं पदाधिकारियों की हरदोई जिले से? संगठन के द्वारा जब उन पे आरोप लगा, हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा खालिद खान पे आरोप लगा, तो उन पे संज्ञान लिया संगठन ने और उन पे कार्रवाई की गई। और जैसा कि अभी वो 15 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं और कमेटी गठित की गई थी और कमेटी जांच कर रही है, जैसा कमेटी ऊपर रिपोर्ट देगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा। संगठन किसानों के बारे में किस तरीके से काम करता है? हम किसानों की छोटी से छोटी समस्या व बड़ी से बड़ी समस्या लेकर शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक लड़ते रहेंगे। किसानों का उत्पीड़न और किसानों का जो शोषण आज के वर्तमान समय में चल रहा है, इसको भारतीय किसान एवं राष्ट्र शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके लिए आंदोलन होगा। जो आपके संगठन के द्वारा पूर्व में मीटिंगें हुई हैं, उनमें कुछ मुद्दे उठाए गए थे, क्या उन पर कार्रवाई अभी तक हुई है? उन पर कुछ मुद्दों पर कार्य चल रहा है, जैसे छतिया वाला रोड बन रहा है और भी कुछ काम हो रहे हैं और कुछ बिंदु भी बाकी हैं। इस समय हम लोग शांत हैं, आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसानों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन होगा ताकि शासन प्रशासन को हम लोग जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। ये हमारा ही पैसा, हमारी ही कमाई को लूट के इनको तनख्वाह दी जाती है और ये एसी में ये रंगबाजी का दिखाने का काम करते हैं, जो किसानों से तहसील में इनकी बात नहीं सुनते, इनको हम सबक सिखाने का काम भारतीय किसान एवं राष्ट्र करने के लिए तैयार है। आपका संगठन के क्या नियम है? संगठन हर मजदूर, हर किसान का पीड़ित के साथ में है, किसी के साथ, किसी भी किसान या मजदूर भाई के साथ अगर अनहित होता है या शासन प्रशासन द्वारा या किसी दबंग भूमाफिया द्वारा उसको अगर सताया जाता है, तो उससे ऐसे भूमाफियाओं और ऐसे अधिकारियों से ईंट ईंट बजाने का काम भारतीय किसान एवं राष्ट्र करेगा।